हेलो गाइस, आज 12th क्लास के इंग्लिश का फ्लेबंगो का एक चैप्टर है गोइंग क्लोसेस, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना चाहूँगा, और इस क्वेश्चन आंसर्स को मैं दो पार्ट में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे एंड बाकी सेकेंड पार्ट में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, व्हाई इज़ सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी कैसी, कि जो सोफ़ी थी वो डैनी केसी की ओर अट्रैक्टेड क्यों हूँ। आंसर, डैनी केसी इज़ अ यंग एंड सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम आयरलैंड। जो डैनी केसी था वो आयरलैंड का एक युवा और एक सफल फुटबॉल प्लेयर था। ही इज़ ऑल्सो क्वाइट हैंडसम विच एड टू हिज पॉपुलैरिटी अमंग हिज फैन, और उसके अपने प्रशंसकों के बीच में अपनी एक उसकी लोकप्रियता थी, और वो काफ़ी सुंदर था, स्पेशली यंग गर्ल्स ऑफ सोफीज एज, की जो सोफी जैसी युवा गर्ल्स थी। सोफी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम, इसलिए जो सोफी उसकी ओर अट्रैक्टेड हुई। बिसाइड्स हर फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो यूज फुटबॉल फैंस, यहाँ तक कि उसकी जो फैमिली थी उसमें प्रत्येक मेम्बर फुटबॉल के प्रशंसक थे। एंड डैनी केसी इज़ अ हीरो फॉर देम, और डैनी केसी था उनके लिए एक नायक था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर जेंसी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जो जेंसी और सोफी थी वो एक दूसरे से कैसे अलग थी। आंसर, जेंसी एंड सोफी हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि जो जेंसी और सोफी है इस चैप्टर में उनका एक अलग अलग पात्र है। एंड एन ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और उनकी जो लाइफ की थिंकिंग थी और जो लाइफ की अप्रोचेस थी वो भी बिल्कुल अलग है। जेंसी इज क्वाइट प्रैक्टिकल एंड हर फिट आर ग्राउंडेड, कि जो जेंसी थी वो एक वास्तविक एंड वो अपनी चीज़ों को बड़ी अच्छी से उसे पता था। वेयर्स, जहाँ सोफी इज़ अ डे ड्रीमर एंड लिव इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड, कि जो सोफी थी वो एक डे ड्रीमर थी और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती थी। जेंसी इज़ अ मैच्योर, कि जो जेंसी थी वो क्या थी, एक मैच्योर गर्ल थी। एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, और वो जो सच्चाई को स्वीकार करती थी। पीपल ऑफ देयर स्टेयर, कि उनके जैसे लोग या फिर उनकी कद के जो लोग थे, कैन ओनली बिकम वर्कर्स इन अ बिस्किट फैक्ट्री, कि सिर्फ वो क्या है, एक बिस्किट फैक्ट्री में ही कार्य कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, सोफी ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि जो सोफी थी वो रियलिटी से दूर थी। एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एंड, और उसके अपने एक स्वाभाविक सपने थे, जैसे कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी वो, मैनेजर एंड फैशन डिजाइनर। नाउ क्वेश्चन है, डिड जॉफ कीप हिज प्रोमिस टू सोफी, कि जॉफ जो था वो अपने वादे को सोफी के पास उसको रखते हैं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। आंसर इसका, जॉफ डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस टू सोफी, वो प्रोमिस सोफी के प्रोमिस को नहीं रखते। सोफी टोल्ड जॉफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी एट द रॉयस, कि जो सोफी थी वो जो उसकी रॉयस में डैनी केसी के साथ मीटिंग हुई थी, उसने उसके बारे में जॉफ को बताया था। जियोफ टोल्ड द स्टोरी टू फ्रैंक, हु इज टर्न टोल्ड हिज सिस्टर जेंसी अबाउट इट, और जो जियोफ था इस स्टोरी के बारे में उसने सारी बातें जेंसी को शेयर की थी। हाउ वेयर, जियोफ नेवर रिवील्ड द फुल स्टोरी, और जियोफ नहीं चाहता था जो पूरी स्टोरी थी उसको जेंसी के सामने प्रकट करे। एज ही डिड नॉट टेल एनी वन अबाउट सोफीज सपोज्ड डेट विद डैनी केसी, और जो डैनी केसी और जो सोफी की मुलाकात हुई थी वो नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वाई वो सोफी जीलियस ऑफ जॉफ साइलेंस, कि जो सोफी थी वो जो जॉफ की चुप्पी थी उससे मतलब जीलियस फील करती थी। आंसर इसका, जॉफ नेवर स्पोक मच, कि जो जॉफ था वो ज़्यादा नहीं बोलता था। सोफी ऑलवेज पॉन्डरेड ओवर द एरियाज ऑफ हिज लाइफ विच ही नेवर टॉक अबाउट,
कि जो सोफी थी वो जॉफ की लाइफ के बारे में, जो जॉफ की लाइफ थी उसके एस्पेक्ट्स के बारे में वो जानना चाहती थी, बट जॉफ वो कभी भी अपनी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता था। ही हिज वर्ल्ड रिमेन अ फैसिनेशन फॉर हर, और वो जो उसका अपने अलग ही प्रोस्पेक्टिव था। सी फेल्ट दैट व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, और वो उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था। हिज माइंड वॉज अवे एट सम अननोन प्लेस, कि उसका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं रहता था। एंड सो सी फेल्ट जीलियस ऑफ हिम, और वो क्या करती थी, और इस कारण क्या होता था कि जब वो जॉब उससे कोई बात नहीं शेयर करता था तो वो सोफी को, सोफी जो होती थी, जीलियस फील करती थी। ना लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनिकेसी, कि जो सोफी थी वो नहीं चाहती थी कि जो डेनिकेसी की बात वो जेंसी को पता चले। आंसर, सोफी डिड नॉट वॉन्ट जेनी जेंसी टू नो एनी थिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, कि जो सोफी थी वो नहीं चाहती थी कि डैनी केसी की जो मीटिंग थी उसके बारे में जेंसी को कुछ भी पता चले। बिकॉज सी न्यू दैट जेंसी वॉज अ ब्लैमर माउथ, कि वो जो एक मतलब चुप ना रहने वाली एक गर्ल थी। द मोमेंट जेंसी न्यू ऑफ सम्स सीक्रेट्स, कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो जेंसी क्या है वो जेंसी के जेंसी से जेंसी को पता ना चले। एंड द होल नेबर्स वुड गेट टू नो इफ, यदि जो पूरे पड़ोस में अगर इस बात का पता चला तो सोफी डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ रिडिक्यूड बिफोर अदर्स, और सोफी नहीं चाहते थे कि लोग आके उससे पूछे कि डेनिकेशी कौन है।